चलिए बात कर लेते हैं पंजाब की, क्योंकि आज पंजाब में नए मंत्री शपथ लेंगे। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण का ये समारोह है। चन्नी कैबिनेट में 7 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि कैप्टन समर्थक 5 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। चन्नी कैबिनेट में कुल 15 नए मंत्री शपथ लेंगे। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कई बैठकों के बाद आखिरकार मंत्रियों के नाम पर मुहर लग पाई है। पंजाब के संभावित मंत्रियों की अगर हम बात करें तो परगट सिंह, राजकुमार वेरका, गुरकीरत सिंह कोटली, अमरिंदर राजा, इसके अलावा कुलजीत नागरा, संगत सिंह गिलजिया और राणा गुरजीत सिंह शपथ ले सकते हैं आज। तो कुल 15 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन कई कैप्टन धड़े के मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है। आज होगा चन्नी कैबिनेट का विस्तार, कौन होगा अंदर, कौन होगा बाहर। से लेकर चंडीगढ़ तक चली लंबी लंबी मीटिंग के बाद आज पंजाब के नए वजीर शपथ लेने वाले हैं। सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह की 5 बड़ी बातें जान लीजिए। शाम 4:30 बजे राज्यपाल पंजाब के नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे, जिसमें 15 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। अमरिंदर समर्थक 5 मंत्रियों की छुट्टी की तैयारी, जबकि कैप्टन सरकार के 8 मंत्री अपनी जगह बचाने में कामयाब रह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किस किस पर कांग्रेस आलाकमान ने दांव लगाया है। पंजाब के संभावित मंत्रियों में परगट सिंह, राजकुमार वेरका, गुरकीरत सिंह कोटली, अमरिंदर राजा, कुलजीत नागरा, संगत सिंह गिलजिया और राणा गुरजीत सिंह शपथ ले सकते हैं। नए संभावित मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। परगट सिंह लगातार सिद्धू के साथ हैं। गिलजिया और नागरा पंजाब कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष, वहीं वेर का पार्टी के एससी चेहरा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता हरपिंदर इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हरपिंदर, क्योंकि शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, किस तरह की तैयारियां और क्या कोई नया अपडेट भी मिल रहा है? जी देखिए, जैसे अभी तक तो कोई अपडेट खास नहीं निकलकर सामने आया है। जो सुबह हमने अपडेट दिया था कि काका रणदीप है जो, वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि सीनियोरिटी के हिसाब से उनका यही कहना है कि उनको जगह नहीं मिल पाई है। और जो बाकी के मंत्री हैं वो सभी आज शपथ लेंगे 4:30 बजे, और उसी को लेकर आज जो क्लियर हो जाएगा कि चन्नी की कैबिनेट में अब कौन कौन शामिल होगा, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कौन कौन से मंत्री आज नाराज होते हैं। क्योंकि कैप्टन खेमे के जो 5 मंत्री हैं उनको इस कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। जो वो ये वो मंत्री हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत खास रहे हैं, इनको लेकर सवाल खड़ा हो सकता है कि ये, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो पहले बोल रहे थे कि मैं इंतजार करूंगा कि क्या क्या होता है, उसके बाद ही वो कोई अगला फैसला लेंगे। और पहले डिप्टी सीएम उनका कोई जो खास मंत्री है उनको नहीं बनाया गया, उसके बाद जो आज 5 मंत्री हैं उनका भी पता कट चुका है। ठीक है अरपिंदर, शुक्रिया आपका फिलहाल इस अपडेट और इस जानकारी के लिए। तो एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।